शुक्र समानम, होय होय। तप का क्या प्रतिफल है? जितना अधिक तप प्राणी करेगा उतना ही अधिक उसको राज समय प्राप्त होगा। और तप से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। तप से राजा बनता है, राजा के अंदर अभिमान होता है और वो ना जाने कितने पाप इकट्ठे कर लेता, वो आगा पीछा कुछ नहीं देखता और फिर उसको भोगने पड़ते हैं। फिर गधे और कुत्ते सूअर की योनियों में जाता है, उसके सिर में कीड़े पड़ते हैं, खाज लग जाती है, बुरा हाल होता है। पुराणों में प्रमाण है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ओए होए, तपेश्वरी जो सबसे अधिक तप करने वाला है वो अधिक राज्य प्राप्त करता है। जो अधिक राज्य समय, जिसका अधिक राज्य का समय होता है वो घोर नरक में गिरता है, उसका नरक का समय भी अत्यधिक होता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र शवानम। इसलिए परमात्मा कहते हैं सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। और इस प्राणी को अपने मानव जीवन को सफल करने के लिए परमात्मा की वाणी यानी विधान के आधार से अवगत कराया जाता है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सत्संग के माध्यम से प्राणी को याद दिलाया जाता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पुण्यात्मा परमात्मा की यथार्थ भक्ति का ना ज्ञान होने से, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने से हम अपनी अपनी साधनाएं, अपने अपने अनुभव, अपने ही सोच विचार से हम कर रहे होते हैं, या किसी के लोक वेद दंत कथा के आधार से हम साधनाएं कर रहे होते हैं। उनके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक बताया है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई तप करता है, कोई हवन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया है कि परमेश्वर के यथार्थ अनुष्ठानों की जानकारी परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है, और वो कर्मों से ही यानी क्रियाओं से करने होती है। काम करते करते उसके लिए हठ योग या परिवार त्याग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो तत्व ज्ञान है जो परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपनी महिमा आप ही आकर बताई है। तो उसके अंदर पूरा विवरण दिया होता है। क्या बताया है? अभी आपने परमेश्वर के भोग, परमेश्वर की वह अमरवाणी का भोग पढ़ा, इसमें पढ़ा सुना। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान। अब इनमें से कोई तो एक हवन यज्ञ ही करता है, एक हवन कुंड बना लिया और उसमें बाल दिया बैठे और गेरे जा घी स्वाहा स्वाहा। कहते हैं ये हवन, ओनली हवन करने मात्र से ही ये मोक्ष नहीं है, आपके आध्यात्मिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन
द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा कि जो तू ब्रह्मणा भटकना तुझे लगी है, कि तो मंदिर का कहीं मंदिर बनवा रहे हो, कि तो कोई भंडारे करते फिर रहे हो, कहीं दान दे देते हो आँख मीच के, तो गीता जी में लिखा है कुपात्र को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। तो पुण्यात्माओं, जो ये यज्ञ क्या चीज है, जैसे किसी व्यक्ति को कोई रोग है और बहुत वीक हो गया है शारीरिक, उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी है, पतला दुबला बन गया, तो डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आजकल वर्तमान में सबसे पहले उसको ग्लूकोज लगा देता है। तो ग्लूकोज जो है उस रोग काटने की औषधि नहीं है, वो सहयोगी है उपचार में। उस रोग के काटने का अलग से और ट्रीटमेंट है, कोई टेबलेट्स हैं, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, वो दवाई अलग से होती है, औषधि अलग है। तो इसी प्रकार हम सभी को जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग लगा हुआ है। इस जन्म मृत्यु के रोग की समाप्ति के बिना हम सुखी नहीं हो सकते, चाहे हम पृथ्वीपति बन जावा, चाहे इंद्र की स्वर्ग के राजा बन जावा, चाहे ब्रह्मलोक में जाकर हम उच्च पदवी प्राप्त कर लें, लेकिन जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर कर्माधार से पुनः यहाँ मृत लोक में आना होता है और फिर भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों में कर्माधार पर दंड भी भोगना निश्चित है, जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते, पूर्ण संत के माध्यम से हम सत साधना नहीं करते, तब तक ये प्रोसीजर जारी रहेगा। तो हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है, तो ये यज्ञ जो है, ये पांचों यज्ञ अनिवार्य हैं। एक यज्ञ धर्म की, जैसे आप जी यहाँ दान करते हो, यहाँ पांचों यज्ञ संपूर्ण होती है। तीन दिन का अनुष्ठान होता है, महीने में दो बार कृपा परमेश्वर ने कर रखी है। और जो पुण्यात्मा है वो कहते हैं ना, ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्द सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किसे न मूल गवाही। जो साधना भक्ति नहीं करते वो अपने मनुष्य जीवन रूपी मूल धन को नष्ट कर रहे हैं, और जो भक्ति कर रहे हैं शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करते हैं, वो भी अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। आप जी सत साधना शास्त्र अनुकूल कर रहे हो, आप जी की भक्ति ये सुचारू रूप से चल रही है, आप यहां दान करते हैं, आप जी जो यहां गुरुमुख होकर के दान कर रहे हो, आपके द्वारा किए हुए दान का यहाँ भंडारा चलता है, उसी से हवन होता है, उसी भंडारे से शेड बनाए जाते हैं, उसी से रजाई बनवाई जाती है, मैट तैयार करवाए जाते हैं, पंखे आप जी के लिए परचेज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। हम तो आपके सेवक हैं, आप परमात्मा की प्यारी आत्मा हो, जिनके लिए प्रभु कितनी सुविधाएँ आपके आने से पूर्व ही हम दासों से करवा देता है। आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप बालक हो, और आप किसके बालक हो आपको ये भी नहीं मालूम, आप किस धनी के पुत्र हो पुत्री हो, उस परमेश्वर कबीर जी के आप संतान हो, आप गलत स्थान पर आगे, वो इतना दयालु है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, अपने बच्चों का अपनों को ही दुख होता है, तो वो यहाँ इस गंदे लोक में भी आपके लिए बहुत सुविधाएं और सुख प्रदान करने की चेष्टा करता है, जैसा भी यहाँ का सुख है। तो ये पांचों यज्ञ यहाँ पर होती हैं, जो ये ज्ञान दिया जाता है, सत्संग किया जाता है, ये ज्ञान यज्ञ है।
और ध्यान यज्ञ है परमात्मा क्या चिंतन बना रहता है जब तक आप सत्संग सुनते हो या घर से चलते हो या एक दो तीन हफ्ते पहले आपको आपका ध्यान शुरू हो जाता है, मेडिटेशन शुरू हो जाता है। कैसे प्रारंभ हो जाता है? जैसे आप जी ने सत्संग में आना है और काल ने हमारे कई प्रकार की बेड़ियां जड़ रखी हैं, किसी का पति नाम ले रहा है तो पत्नी मानती ना, वह दीदे का डचा लज उसने पता है गया तड़के गुर्रे का डेगी, इसने राजी करूं क्योंकि एक हफ्ते पहले तो अपने आप ने सेटिंग करन लग जाए है। और किसी की पत्नी नाम ले रही है, पति जो है ना बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, सौ सौ बाधाएं पैदा करता है। तो ऐसे और भी कोई ऑफिशियल कार्य करते हैं, उनको भी सौ प्रकार की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है सत्संग में जाने के लिए। अपने कार्य और भी जो खेतों में घर में मजदूरी करते हैं या किसान का काम करते हैं, दुकान पर करते हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, तो सत्संग में आने से पूर्व उन्होंने अपने काम की एडजस्टमेंट कई दिन पहले सोचनी पड़ती है। तो वो आपका ध्यान मेडिटेशन भगवान के चरणों में वहीं से शुरू हो गया। यहाँ करके जब सत्संग सुनाया जाता है आत्मा को, आत्मा के ऊपर ये अमृत वर्षा होती है, रह रहकर परमात्मा की महिमा हृदय में समाती है और परमात्मा की याद उमंग सी उठती है, ये भी एक मेडिटेशन होता है। संत मार्ग में मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होना नहीं है। कैसे मेडिटेशन होता है? जो पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत परितम में ऐसे ध्यान लगावे। हमारा ध्यान, हम परमात्मा कबीर जी ऐसे मेडिटेशन बताते हैं जैसे लड़की अपने पीहर चली जाती है, मायके चली जाती है, वहाँ जाने के बाद वो बिल्कुल खामोश मौन रहती है, सब कार्य करती है, किसी को पता नहीं, लेकिन उसका ध्यान एक पल भी अपने पति से दूर नहीं होता। दिस इज मेडिटेशन, हमारा ये मेडिटेशन, इसको सहज समाधि कहते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ज्ञान है जो आप जी को शद ग्रंथों के आधार से ये ज्ञान कराया जाता है। इस ज्ञान यज्ञ से आपको जानकारी होगी कि जो क्रिया हम किया करते थे वो कितनी ठीक थी कितनी गलत थी। तो प्रसंग चल रहा था कि जैसे एक रोगी को ग्लूकोस भी अनिवार्य है और उसके रोग को काटने के लिए जो और ट्रीटमेंट वो अलग से होता है, ऐसे ही ये पांचों यज्ञ वर्तमान में आप जी को अति आवश्यक है, क्योंकि आप जी के जो पुण्य थे वो सतयुग में अक्षीण हुए। उसके बाद आप, क्योंकि आप जी जो भगवान की तरफ विशेष कसक से लगे हुए हो और आप जी का जन्म इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में हुई हुआ है और भारतवर्ष के भी उस पीक क्षेत्र में जहां पर परमात्मा की महिमा बहुत अच्छे तरीके से सुनी और सुनाई जाती है और जहां पर विकार बहुत कम है, अन्य वैसे तो बहुत है यहां भी, लेकिन अन्य देशों को देखते हुए यहां ये बहुत विकार कम है और यहाँ आपका जन्म है। तो आप जी के अंदर रुचि है प्रभु की और आप भटक रहे होगे नकली संतों के पास कि तो मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में, तो आप बहुत जन्मों से मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हो, क्योंकि आपको भक्ति की अभी भी कसक है। जैसे कल के सत्संग में आपको बताया था, दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो टर्न वाइज होता है, एक विधान है प्रभु का कि 84 लाख योनियों को पूरा भोग के
एक मानव शरीर कंपलसरी मिलता जीव को, इसके इतने पुण्य शेष रख दिए जाते हैं, और एक मिलता है पिछले संस्कारों से। पार्वती जी की कथा कल